प्रणमीय शिरसाणे गुणरयण विभूषण महावीरम सम्मत्तरयण निलयम् पयडिसमुक्कीर्तनम् मोक्षम्। आध्यात्मिक सिद्धांत का उद्घाटन करते हुए ग्रंथ का मनोरम मंगलाचरण यहाँ से हम देख रहे हैं, जो वस्तु स्वातंत्र की घोषणा करता है। अनादिकाल से एक समय भी जीव ने शरीर को अपना मानना छोड़ा नहीं, फिर भी अचरज तो देखो वस्तु स्वातंत्र का, एक समय भी शरीर जीव का हुआ नहीं। दूसरी तरफ से विचारो तो एक समय भी शरीर जीव का हुआ नहीं, फिर भी अचरज तो देखो बिगड़ी नियत का, कि एक समय भी अपना मानना छोड़ा नहीं। यहाँ पर वस्तु स्वातंत्र की घोषणा करते हुए एक डैशिंग एंट्री की है, कर्णयो वले मलम वा बोलिए ताणत्थितम सयम सिद्धम। लोक में कुछ कहावतें प्रचलित है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक गंदी मछली, ये सभी जितनी प्रसिद्ध है ये सब ये वस्तु सिद्धांत के साथ, वस्तु स्वातंत्र के साथ तनिक भी मेल नहीं खाती। समझ में आता है? यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कुछ भी बाल बाका नहीं होता, और बिगाड़ कुछ करने की तो दूर रहो, स्पर्श तक नहीं करता। कल तक हमने काफी प्रकरण देखा है, साथ में टोडरमल जी साहब को भी हमने याद किया। दूसरे अध्याय में टोडरमल जी साहब ने कहा था कि अनादि से ऐसा संयोग बना है इन दोनों का, तो शंकाकार का कहना था कि इनको संयोग कैसे कहते हो आप? बोलिए संयोग तो उनको कहते हैं जो पहले न्यारे न्यारे थे और फिर एक हुए हो। टोडरमल जी साहब ने कहा था ऐसा नहीं है, ये बाद में अलग होते हैं, इससे हमने जाना कि ये आज भी अलग है। वहाँ के शब्द बोलो, पृथक थे सो पृथक हुए, ऐसा भी संयोग संबंध है। दो अलग अलग होकर ही एक हुए हो यही संयोग संबंध नहीं होता, ये कल चर्चा हमने देखी थी। और जितनी भी आज शोध खोज विज्ञान करता है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये जितनी भी प्रोसीजर्स है, प्यूरिफिकेशन की, कुछ एक्सट्रैक्शन की, वो किस पर आधारित है? वस्तु स्वातंत्र पर आधारित है। यदि उसमें रहने वाले तत्व अलग अलग नहीं है ऐसा माना जाता तो कदापि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। समझ में आता है सबको? तो यहाँ पर कल बात कही थी, जीवंगाणम अनाई संबंधो, जीव और शरीर का अनादि से ऐसा ही संबंध है, और जहाँ पर बंद है वहीं पर मुक्ति है, वो दृष्टि का फेर चाहिए। जहाँ पर गर्म पानी है वहीं पर ठंडा पानी है, बस आधा घंटा रुको। जहाँ पर गंदा पानी है वहीं पर साफ पानी है, बस कतक फल डालो, है ना? देखने की दो दृष्टियां, वहीं पर खड़े रहो। ठीक उसी प्रकार अनादि से जीव का शरीर के साथ संबंध भी है, लेकिन वह संयोग संबंध है। और संयोग संबंध मतलब, संयोग संबंध कहवत का संबंध, नास्ति सर्वोपि संबंध। संयोग वो कोई संबंध थोड़ी है। एक कल तक की हमारी चर्चा हुई, थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे, प्रकरण थोड़ा सा
शास्त्रीय पहलू पर चलेगा, लेकिन बहुत ही रोचक प्रकरण चलेगा ये। आज तक का जितना अध्ययन आपने किया है, तत्वार सूत्र को आदि आदि, इस सब को साथ में लेकर ही चलने का भाव है। तीसरी गाथा आप सबके सामने है, पृष्ठ क्रमांक 12 पर यहां से प्रकरण आगे चलेगा। उससे पहले और एक बात, एक बिंदु को हम स्पष्ट करना भूल गए। एक दो दिन पहले मंगलाचरण चला था, वहां पर एक बिंदु और ऐड होना था, नेमिनाथ को ही क्यों याद किया है? मंगलाचरण में नेमिनाथ भगवान को ही क्यों याद किया है, इसके दो तीन कारण आपको नोट करने हैं संक्षेप में जैसा संभव होगा। एक तो कारण यह है कि जहां पर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने बैठकर गोमट सार की रचना की है, वह श्रवण बेलगोला में नेमिनाथ जिनालय में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर ही ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, यह एक कारण। यह बात दूसरी है, इंद्रनील मणि से बनी वह नेमिनाथ की प्रतिमा आज अनुपलब्ध है। सेकंडली तो यह है कि गोमट सार जो ग्रंथ उन्होंने लिखना चालू किया है, वो जिसका सारभूत वो ग्रंथ है, ऐसा षटखंडागम, उसकी विषय वस्तु आचार्य धरसेन ने गिरनार में बैठ के दी थी, और गिरनार इज फेमस फॉर नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि है, इस कारण भी नेमिनाथ को याद किया है ऐसा लगता है। ये दूसरा लॉजिक हो गया। थर्ड लॉजिक, एक नाम साम्य को लेकर, नाम साम्य मतलब जो स्वयं लेखक का नाम है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उन्होंने उसी नाम राशि को याद करके तीर्थंकर को नमस्कार कर दिया नेमिनाथ भगवान को। यह भी एक लॉजिक इसलिए संभव है क्योंकि ऐसी पद्धति प्रचलित है जिनागम में। हम नियम सार की टीका देखते हैं, तात्पर्य वृत्ति, पद्म प्रभ मलधारी देव ने 5-6 जगह पद्म प्रभ भगवान को याद किया है, जबकि कोई खास उचित नहीं है। अचानक छठे तीर्थंकर को कौन याद करने लग जाए? एक नाम साम्य इसको कहेंगे, यह भी एक कारण हो सकता है। तीन कारणों से नेमिनाथ भगवान को याद किया मंगलाचरण में। सबको क्लियर है बिंदु, तो तीसरी गाथा में हम चलेंगे। दूसरी गाथा तक सभी बिंदु क्लियर हो वे हाथ ऊपर करें, मैं जानना चाहूंगा कि सब क्लियर हो तो ठीक है। तीसरी गाथा हम देखेंगे, पढ़ते हैं। देहो दयेन सहियो जीवो आहरदि कम्मणोकम्मम् परिसमयम् सौवंगम् तत्तायस पिंड ओवजलम्। तत्व सूत्र लेके बैठे आप, जिनेन्द्र अर्चना सबके हाथ में देना। अपन तत्व सूत्र के साथ भी टैली करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ भी टैली करेंगे, ऐसे दो ग्रंथ अपन टैली करते जाएंगे। देखिए अभी गाथा क्या कहती है। देहो दयेन सहियो जीवो आहरदि कम्मणो कम्मम्। जीव आहरदि, आहरदि का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रहण करना। ओके, बहुत मजा आएगा आपको, इतना आनंद आता है। गीता में एक जगह प्रकरण आया, उपवास को आहार नहीं करना, उपवास को आहार नहीं करना। टीकाकार ने, प्रवचनकार ने आहार का अर्थ क्या किया होगा आप जानते हैं? आहार मतलब जो ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण 6 इंद्रियों से जो होता है वो सब आहार है। जो अपन लोग कहते हैं, बोलो, मात्र आहार के त्याग को उपवास नहीं है कहते हैं, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। विषय कषर आहार, इन तीनों के त्याग को उपवास संज्ञा है, समझ में आता है? और परमार्थ विषय कषाय का त्याग, और लोक में प्रचलित आहार का त्याग,
लोक में तो उसी को उपवास कहेंगे। चरणानियों की यही शैली है, आत्मानुभवी हो ना हो, आप समझते हैं। टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में बोला, बोलो क्या बोला, कोई ध्यानी ध्यानी हो उसको तपस्वी नहीं कहते लोक में, बोलो, जो उपवास आदि करता हो उसको तपस्वी कहते हैं। चरणानियों की शैली पकड़ रहे, मैंने किसका अर्थ किया इतनी देर, बोलो ये क्या नाम है इसका, आहारदि, वेरी नाइस, आहारदि ग्रहण करना, किसको, कम्मण और कम्मम, कर्म और नो कर्मों को ग्रहण करता है। किसकी बात होगी, ये जीव की ही बात है। कैसे, जीवो आहारदि कम्मण और कम्मम, कर्म और नो कर्म को ग्रहण करता है, कैसे, देहो दयेन सहियो, इसका अर्थ क्या करेंगे, देह नाम कर्म के उदय से, शरीर नामक नाम कर्म के उदय से कर्म नो कर्म को ग्रहण करता है। पहली लाइन सबको समझ में आती है, मैं खुलासा अभी करूंगा, इतना पकड़ में आता है। अब देखिए, देह नाम कर्म के उदय से ऐसा बोल रहे हैं, खटकने वाली बात क्या है इसमें, कोई बताएगा मुझे, मैं आपसे चाहता हूं कोई बोले इसमें, तत्व और सूत्र आ गए सबके सामने, वेरी नाइस, खटकने वाली बात क्या है कार्तिक, खटकने वाली बात क्या है इसमें, वेरी नाइस, वेरी नाइस, खटकने वाली बात यह है, वो किसी कर्म के उदय से, देहो दयेन सहियो, देह नामक नाम कर्म का उदय जानते हैं ना, शरीर नामक नाम कर्म का उदय, पांच शरीर है ना 148 प्रकृतियों में, 93 प्रकृतियों में स्टार्टिंग पांच शरीर बोले हैं, शरीर नामक नाम कर्म के उदय से आश्रय होता है बोल रही है, ये असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन आ गया। लेकिन जीवो, वो जीव ग्रहण करता है, निमित्त प्रधान शैली समझ में आती है आपको, अभी तत्व और सूत्र वालों की तरफ चलना है अपने को, चलो तत्व और सूत्र वालों से पूछ तो ले एक बार, उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, इतना बेहतरीन, इतना मजा आता है। अब जब समन्वयात्मक अध्ययन करते हैं, ये पहले लाइन में लिख लेना, देह कर्म के उदय से आश्रव होता है, कर्म नो कर्म का आना को मैंने क्या बोला, अभी आश्रव होता है, आहारदि कम्म नो कम्मम, ये किसने कहा, गोमट सर गाथा 3, तत्वर सूत्र वालों को पूछने चलो, क्या उत्तर है उनके पास, बताए कोई मुझे, जल्दी जल्दी, वाक काय मन कर्म योग, वहां की अपेक्षा थोड़ी सी समझो, 6वें अध्याय के पहले सूत्र में मैं आकर खड़ा हुआ, वहां पर यह बोल रहे मन वचन की काय की क्रिया, वह आश्रव है, वह आश्रव मतलब कारण में कार्य का संबंध, उससे आश्रव होता है, ऐसा वहां पर कहना है। ये तत्व और सूत्र की स्टेटमेंट हमको मिल गई, पहले इन दो स्टेटमेंट्स में क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, जल्दी जल्दी, निमित्ताधीन शैली वहां पर भी प्रयोग, तत्व और सूत्र में निमित्ताधीन शैली का प्रयोग, यहां पर भी, यहां पर देह नामक नाम कर्म के उदय से बोल रहे, वहां पर मन वचन काय की क्रिया से बोल रहे, ठीक है, और दोनों असद्भुत व्यवहार नहीं के बाद, और दोनों अनुपचरित, पकड़ रहे, और परमार्थ बात तो कुछ न्यारी ही है, परमार्थ बात क्या है बोलिए, परमार्थ बात क्या है, परमार्थ बात यह है योग को लेकर आश्रय होता है, समझ रहे आप सब, योग को लेकर आश्रय होता है ना, योग समझते हैं ना, अभी देखो व्हाट इज योग, यहां पर योग का अर्थ समाधि साधना ऐसा नहीं लेना, योग मूल तो युज धातु से बना है, यहां पर वो अर्थ नहीं लेना, योग का अर्थ यहां पर कंपन, पार्किंसंस की बीमारी होती है ना कुछ, कंपन रोग, कंप रोग होता है, कंप रोग, यहां पर कंपन मतलब योग लेना। वैसे सच पूछो तो भाव योग की परिभाषा ये बताई है, कर्मों के ग्रहण करने की आत्मा की ताकत, द्रव्य योग में बोला कंपन, मतलब भाव योग और द्रव्य योग में कहीं 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 भी दूर दूर तक मन वचन काय की क्रिया शामिल है ही नहीं, पकड़ रहे इतनी बात को, क्योंकि मन वचन काय की क्रिया से आश्रय होता तो बोलो क्या आपत्ति आती। टोडरमल जी ने लिया, क्या लिया बोलिए,
टोडरमल जी ने कुछ लिया, क्या लिया? टोडरमल जी ने कुछ लिया, मन वचन काय की क्रिया को लेकर यदि आश्रय होता है ऐसा कहते हैं तो क्या दिक्कत आती है? पेड़ है, वे कुछ भी क्रियाएं नहीं करते हैं, उनका योग बोला है, मैं यहां से अभी लूंगा। और दूसरी तरफ देखो, केवल 276 पेज है इसका। टोडरमल जी को देखते हैं, टोडरमल जी का क्या कहना है, मैं आपको फिर सिद्धांत पूछूंगा। देखिए, तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई देती है, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। पकड़ रहे? और उदाहरण किसको साइट किया यहां पर मालूम? किसको उदाहरण में लिया होगा? उदाहरण में लिया है कौन से केवलियों को? गमन आदि क्रिया रहित हुए है उनको। मतलब ये मान के चलो दीपावली के एक दिन जाकर भगवान के सामने खड़े रहो आप, और अब देखो भगवान को, कुछ हलन चलन चल रहा है, वचन की क्रिया चल रही है, ठीक है, ओके। तो क्या कह रहे हैं, तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई देती है, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवल गमन आदि क्रिया रहित हुए वहां भी उनके योग बहुत कहा है। द्वि इंद्रियादि जीव गमन आदि करते तथापि उनके योग अल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यतर जानना, ये प्रकरण हुआ। ये मैंने प्रकरण क्यों पढ़ा रहंत? क्या बोलो? जो योग है उससे ये आश्रय हो, ये कहने का क्या देखा? उसी से आश्रय होता है, सीधे बोल, मन वचन काय की क्रिया से आश्रय नहीं होता। तत्व और सूत्र में जो कथन आया वो उपचार का कथन आया। पकड़ रहे सब बात को? अभी आगे बढ़ता हूं मैं। फिर आइए, देहो दयन सहयो जीवो आहरदि कम्मनो कम्मम। देखो क्या बात है, मैं बता रहा हूं आपको। देह नामक नाम कर्म के उदय से आश्रय होता है, इसलिए कहते हैं। क्या आप जानते हो देह नाम कर्म का उदय कहां तक होता है? कोई भी बोलो, सोच कर बोलना, समझ कर बोलना। देह नामक नाम कर्म का उदय कहां तक होता है? यदि आप सब 14वें कहते हो तो गाथा में 100 वचन बाधित दोष हो जाएगा फिर, क्योंकि कर्म नो कर्म के ग्रहण करने की बात करते हैं। एक बात यदि आप कहते हो, बोलो, यदि आप कहते हो 13वें गुणस्थान तक देह नाम कर्म का उदय है तो दूसरी तरफ दिक्कत आ रही। इसको उभय दो पाश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्याय की भाषा में उभय दो पाश कहते हैं इसको। उभय दो पाश समझते हो आप? उभय तो पाश, उभय मतलब बोथ वर्ड्स, पाश मतलब यहां खाई और यहां कुआ। यहां पर जाओगे तो यह तकलीफ, वहां पर जाओगे तो वो तकलीफ। आप यदि कहते हो 13वें गुणस्थान तक देह नाम कर्म का उदय है तो फिर अशरीरी क्यों ना कहा जाए 14वें में? समझ में आता है? अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मूल फैक्ट तो यह है देह नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक ही होता है। इसलिए आहरदि कम्मनो कम्मम 13वें गुणस्थान तक ही होता है आश्रम। लेकिन वो तो उदय की बात है, लेकिन परम औदरिक शरीर का सत्व 14वें गुणस्थान में भी बताया गया है। इसलिए 14वें में भले ही आश्रव नहीं होगा क्योंकि देह से संबंध नहीं रहा है, लेकिन सत्व है इसलिए उनको अशरीरी भी नहीं कहा जा सकता। ओके, इसमें कई सारे रहस्य खुलने वाले हैं जो तात्विक आपको बार बार कंफ्यूजन होती है, बार बार पूछते हैं। मैं एक दो पीरियड में पूरा सफाई करने वाला हूं इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज आप नोट कर सकते हैं इसको। कम्मण और कम्मम को ग्रहण करते हैं बोला। वैसे कर्म मतलब क्या होता है बोलना जरा? कर्म मतलब क्या लेना यहां पर? द्रव्य कर्म, ज्ञान और आदि। और अरहंत होंगे तो मात्र सात वेदने लेंगे। नो कर्म में क्या लेंगे? नो कर्म का पर्यायवाची शब्द क्या है जिनागम का? नो कर्म वर्गणाओं का पर्यायवाची शब्द क्या है? आहार वर्गणा। ओके, तो क्या कर्म नो कर्म दोनों को ही ग्रहण करता है जी योग को लेकर, और किसी को ग्रहण नहीं करता क्या? प्रश्न है मेरा।
अहर वर्गण कर्मण वर्गणों को ही ग्रहण करता क्या? उपलक्षण से आप क्या क्या लगाएंगे? उपलक्षण से क्या क्या आएगा? पहली लाइन की चर्चा, उपलक्षण से क्या क्या आएगा? कार्तिक बोलोगे? बोलोगे कोई देह नामक नाम कर्म के उदय से यह उपचार का कथन, परमार्थ कथन क्या? योग को लेकर, मिथ्या दर्शन अविरति परमार्थ कशा योग है ना, योग, योग अंत दीपक, योग को लेकर कर्म और नो कर्म का ग्रहण होता है। तो कर्म और नो कर्म में उपलक्षण से और क्या ले सकते हम? नो कर्म वर्गणा और कर्मण वर्गणा के अलावा और क्या? अरे पांचों वर्गणा ना, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तो उपलक्षण से बाकी के भी सब आ जाएंगे। पॉइंट वाइज कोई बना रहा है क्या इसको? कितने पॉइंट्स हो गए? काउंटिंग नहीं कर रहे आप लोग, पॉइंट वाइज बनाओ तुम, मुझे सब टैली कर सकेंगे आपस में। कितने पॉइंट हो रहे अक्षय? ये कितने सब नोट कर रहे हो बराबर आप? कितने पॉइंट्स हो गए? पांच हो गए। चलो ठीक है, आपने सब कवर तो किए होंगे, काउंटिंग में थोड़ा ये हुआ हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पड़ी समयम, नीचे आओ, क्या लिखते हैं ये, क्या लिख रहे हैं ये? पड़ी समय मतलब प्रत्येक समय में ये होता है। अभी कंडीशंस अप्लाइड, अखबार में देखते हैं, आओ 10,000 में मारुति उठा के लेके जाओ, कोई नहीं बैठा है देने को। एस्टेरिक्स मार्क, नीचे देखो तो वो टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड, और सब पकड़े जा रहे हो तुम, वो तो बस दिखावे की बात है। यहां पर पड़ी समय मतलब क्या, कंडीशंस क्या क्या अप्लाई करना? प्रत्येक समय में कर्मण वर्गणा और आहार वर्गणा ग्रहण करता है जी, बोल रहे देह कर्म के उदय से। प्रत्येक समय में करता है, बताओ मुझे कोई प्रत्येक समय में करता है क्या? इसमें कोई खटकने वाली बात? प्रत्येक समय में करता है क्या जी? कर्मण वर्गण और नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण, विचार करो, थोड़ा विचार करो। वेरी नाइस। विग्रह गति में आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, ठीक है? विग्रह गति में मात्र कर्मण वर्गणाओं का ग्रहण होता है। पड़ी समय में उतना थोड़ा सा बचा के रख देना। आगे बढ़ते, क्यों आहार वर्गणा ग्रहण करने में क्या दिक्कत थी वहां पर? अक्षत बोलो, आहार वर्गणा ग्रहण करने में क्या दिक्कत है वहां पर? शरीर ही नहीं है वहां पर, या औदारिक वैकरिक आहारक शरीर, तीनों शरीर कुछ हो तो उनके ग्रहण करने के लिए तो आहार वर्गण, ये आहार वर्गण ग्रहण करनी पड़ती है। ध्यान रखना, आहारक शरीर तो आहारक वर्गणा से बनता ही है, औदारिक शरीर और वैकरिक शरीर भी आहारक वर्गणा से ही बनते हैं। आगे बढ़ना है, और कोई कंडीशंस दिख रही क्या आपको? और कोई कंडीशंस किसी के ख्याल में आ रही है? और थोड़ा बोलूं मैं, क्या विग्रह गति में कभी आहार वर्गणाओं का भी ग्रहण हो सकता है? विचार करो, थोड़ा विचार करो सब। वैसे तत्व और सूत्रकार का तो एक सूत्र प्रसिद्ध है ही, बोलिए, त्रिनवान आहारक, वहां पर आहारक नहीं होता शरीर, आहारक मतलब ग्रहण नहीं करता, किसको? आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, कर्मण वर्गणाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा है। क्या विग्रह गति में भी लेकिन इस नियम का उल्लंघन हो सकता है क्या? यदि हाँ तो कब? यदि इशु गति में गमन करे, इशु गति समझते आप? विदाउट बेंड, बिना मोड़, सीधा डायरेक्ट, रिजु गति, पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, इशु गति रिजु गति पर्यायवाची है। चलना आगे, बिना मोड़ के यदि विग्रह गति हो तो दूसरे समय में ही मरा और पहले ही समय में वहां पर दूसरा शरीर धारण करेगा। तो जब पहले ही समय में शरीर धारण करना है तो बिना आहार वर्गणा के ग्रहण के कैसे रहेगा? तो निरंतर चलता रहेगा। और यदि एक मोड़ लेगा बीच में तो दूसरे समय में शरीर ग्रहण करेगा, तो एक समय में वो रुक जाएगा आहार वर्गणाओं का ग्रहण। आप सब जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं? समय भारी तो नहीं जा रही, थोड़ी थोड़ी मतलब पूरी जा रही, ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसा है क्या ये कोई सब्जेक्ट? समझ में आ रहा है? पूरा पूरा कितने जन समझ रहे? 100% किसी को भी बुला के पूछूंगा फिर। देखो सब समझ रहे समय, और आगे, और कोई बाहर निकल सकता है? और कोई खटकती है बात इसमें? कोई एक्सेप्शनल केस और भी दिखती है आपको जहां पर आहार वर्गणा नो कर्म वर्गणा, सॉरी आहार वर्गणा और
कर्मण वर्गणा, या कर्मण वर्गणा नो कर्म वर्गणा ग्रहण नहीं होती हो, है ऐसा कोई पार्ट? बोलिए। वेरी नाइस। केवली समुद्घात में भी ऐसा एक अवसर आता है। वैसे केवली प्रत्येक समय में दोनों ग्रहण कर रहे, कर्मण में सातवेदनीय का, आहार वर्गणा में बोलो भक्तंबर स्तोत्र के आधार से बोलो, शुभ्र व्हाइट स्वीट मधुर सॉफ्ट स्निग्ध, ऐसे सर्वोत्कृष्ट परमाणु निरंतर ग्रहण करते हैं। भक्तंबर स्तोत्र में आए ना, मानो जगत के सभी परमाणु आप ही के शरीर में बनने में लग गए हैं। ओके, भक्ति है ना, वहां पर तो असद्भुत व्यवहार ने का ऐसा ही प्रकरण चलेगा। और कई मिथ्या नहीं है बात, जिनके अंदर की श्री जागृत हुई है, लक्ष्मी है ना, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी उनको स्वयं प्रकट होती ही है। ये तीव्र उपेक्षा का फल उनको मिल गया है। क्या बोला? तीव्र उपेक्षा जो उसने उन्होंने की है शरीर के प्रति, उसका फल उनको मिल गया है। ठीक है, तो भोग रहे हैं कि नहीं? भोगने के लिए मोह चाहिए, अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी, मोह नहीं है, मोहियों के काम। केवली समुद्घात के काल में कितने समय की यात्रा है वो? आठवें समय में बैक। अभी देखिए वहां का ले लो तीसरा चौथा पांचवा समय, केवली समुद्घात का तीसरा चौथा पांचवा समय, चौथा समय लोकपुरण समुद्घात, तीसरा और पांचवा समय प्रतर, प्रतर प्रतर और पूरण, ये तीन समय में जीव की दशा विग्रह गतिवत कही गई है। सो सुनो, वहां पर आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, वहां पर शरीर नाम कर्म का भी उदय नहीं रहता, एक्सेप्शनल केस ही है। और फिर बैक, फिर आए अपने स्थान पर, फिर आहार वर्गणाओं का ग्रहण करना चालू, उतना पैच छोड़ देना, विग्रह गतिवत स्थिति कही चलना आगे। बड़ी समय का अर्थ में कर रहा हूं, इसमें कितनी क्या मैंने क्या बोला? बराबर है, तीसरा चौथा। देखो पहले समय में औदरिक दंड में औदरिक का योग, दूसरे समय में कपाट में पहला और सातवा दंड औदरिक का योग, दूसरा और छठवा कपाट औदरिक मिश्र का योग, ठीक है, तीसरा और पांचवा और प्रतर और लोकपुरण चौथा, ये तीनों समय में कर्मण काय योग चलता है। सब समझ रहे हैं मेरी बात को? कर्मण काय योग, ये विग्रह गति जैसी स्थिति वहां पर बनती है जहां पर मात्र कर्मण वर्गणाओं का ग्रहण होता है। पकड़ रहे सब बात को? आगे बढ़ते हैं, बड़ी समय की हमारी चर्चा चल रही है। आहार वर्गणा का ग्रहण, वहां पर देह नामक नाम कर्म का उदय नहीं रहता वहां पर, और फिर तुरंत आ जाता है, ऐसा है कुछ, आहार वर्गणों का ग्रहण नहीं होता। देखो इसमें क्या है, चौदह गुणस्थान में भी ग्रहण नहीं होता, और शरीर वैसा को ऐसा बना रहता, अभ्यप भी बोला, ऐसे ही कुछ दशा वहां पर होती है। ये हमारे समझने से वैसे परा है ये विषय, क्योंकि विग्रह गतिवत वहां पर दशा कही तीन समय के लिए। सत्व कहा है, उदय नहीं कहा, उदय तेरहवें तक ही कहा, अंत तक, यहां पर भी उदय नहीं कहा तीन समय के लिए केवली समुद्घात के काल में। इसीलिए वहां पर कर्मण वर्गणाओं का तो ग्रहण होता है, क्यों कर्मण वर्गणा का क्यों होता है? योग तो है ही वहां पर कर्मण का योग, लेकिन आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होगा वहां पर, विग्रह गति जैसी दशा है, चलना है। हाँ सत्व है, सत्व है तभी तो, बोलो बात को पूरी करो, तभी तो अशरीर नहीं कहते ना, न तो एकदम वैनिश हो जाते और फिर एकदम प्रकट हो जाते, तो अटपटा हो जाता ये, ऐसा आगे बढ़ना है। पड़ी समयम का अर्थ में कर रहा हूं, फिर से अपन को लौट आना है इस प्रकरण में, लेकिन अभी संवंगम की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा। संवंगम सर्वांग से मुझे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको। थोड़े दिन पहले
एक मेरे पास कुछ मैटर आया, इसको थोड़ा पढ़ो बोले। मैंने कहा क्या है तुम बताओ ना। नहीं पढ़ लो बोले आप। अरे तुम बोलो भाई क्या बात है, इतना बंच था बड़ा। कोई ये बोलता है दो चार धाराएं ऐसी कि आठ मध्य प्रदेश है जीव में, आठ मध्य प्रदेश है, उनको कहते हैं रुचक प्रदेश। एक वे भी आठ मध्य प्रदेश है, कहां पर? सुमेरु पर्वत के नीचे, जहां से अपन क्षेत्र परिवर्तन प्रारंभ करते हैं। ओके, तो किसी का यह कहना है वो सदा निरावरण रहते हैं। घूमने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निरावरण। वहां पर आश्रम होता ही नहीं। अपने मिशन के लोग हैं ये जो कहते हैं। अच्छा है, शुक्र है, अभी उनकी कोई छपी नहीं है, फाइनल फॉर्म में नहीं आई है, निरावरण है वो पार्ट कहते। तो फिर वे ये भी कहते उसका ध्यान करो, और जो कहते ना नाभि का ध्यान करो, ये ऐसे वाले लोग हैं वेदांत वाले। कितने जन ने बात को पकड़ा, देखो समझो बात को। वैदिक भी मानते नाभि से ब्रह्म की पैदाइश हुई है। क्या बोला? अगेन, नाभि से ब्रह्म पैदा हुए। कौन बोलता है? वैदिक बोलते। जैनी भी बोलते हैं नाभि से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। नहीं बोलते क्या? नाभि राय क्या नहीं बात करते क्या? हम तो बोलते ही है, लेकिन अंगों अंगों से थोड़ी ना किसी की प्राप्ति होती है भैया। नाभि राय नामक आदमी की, जीव की बात कर रहे, खुल कर समझ रहे। वो ये कहते हैं नाभि का ध्यान करो। मैंने अभी लिखित भी है एक जगह, मैं नाम नहीं बताना चाहता, तकलीफ होगी, छपकर भी आया है, अच्छे भी दोनों में भी उनकी गिनती है। अब कोई ग्रंथ का आधार नहीं है, क्यों खोल रहा हूं मैं इतना सारा चिन्ह में बोलो। संवंगम तत्वर सूत्र का एक सूत्र जल्दी खोल के कौन दिखाएगा? शीघ्रातिशीघ्र। कई तत्वर सूत्र में ऐसा है कि सर्वांग से आश्रम को प्राप्त होता है। सर्वांग से है कहीं? ये बंद अध्याय में देखना पड़ेगा, आठवां अध्याय होगा, तीसरा चौथा सूत्र होगा। मेरे सामने तो नहीं है, नहीं तो मैं बोलता। चौथा सूत्र होगा सर्वात्म प्रदेश से, सर्वात्म ऐसा स्पष्ट शब्द आया ना। ए नीचे से चौथा सूत्र देखो, तीसरा चौथा प्रदेश बन की चर्चा है, प्रकृति प्रदेश। मेरे पास लाओ तुम सूत्र, तो देखो कहां पर है भैया, 2400 सूत्र। देखिए ये है आठवें अध्याय का 2400 सूत्र। यहां लिखा है नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मे क्षेत्रावघास्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। मिल रहा है सबको? लो भाई क्या अर्थ देखा हमने इसमें, सर्वात्म प्रदेशेषु। इसमें क्या देख रहे? सबंगम, सब तरफ से कर्म और नो कर्म को ग्रहण करता है। आश्रम में स्थित जीव की चर्चा कर रहे हैं। अभी इनकी एक सेटेड शैली को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कर्णयो वले मलम वा पूर्व गाथा में बोला, उदाहरण की शैली इनकी, उदाहरण की तरफ ध्यान दो। अभी यहां पर देखो तत्ता एस्पिंडो व जलम, यहां पर भी उदाहरण से पुट लगाई। उदाहरण ये बहुत सटीक बैठते हैं, समझने वाले के लिए एकदम क्लियर विषय को कर देते। क्या उदाहरण दिया? तत्तायस ओ पिंड जलम, तत्तायस पिंड ओ व जलम, तत्त तप्त आयस पिंड ओ व जलम। जिस प्रकार लोहे का पिंड वो गर्म पानी में डाल दो उबलते फटाफट आवाज आती है ना आपको, एक पर्टिकुलर वो आवाज काय की है, वो टेम्परेचर की कमी को खत्म करता है। दिस इज कोल्ड, दैट थिंग इज बॉइलिंग, टू कोप अप, फस फस करेगा वो, और वो खींचता है, सोखता है चारों ओर से। कितने जन बात को समझ रहे? मैंने ये कहां पर समझाया था? मनन, मैंने खूब अच्छे से समझाया था। कहां पर कहीं समझाया था? इदमेवे दृश्यम चेव तत्त्वम नान्यन्य चान्यथा इत्यकम्पाय साम्भोवत्स,
सन्मार्गे संशय रुचि। अब यहां पर आ जाओ, आप आ जाओ इस तरफ। आप बोल रहे तुम ध्यान दो भाई, सो मत, एक तुम ही हो और रोज के मेंबर हो, सेटेड। चलो कहां तक आए? आयस, आयस ये शब्द यहां पर दिया, संबंध भद्र स्वामी ने वहां पर भी याद किया। कहां पर याद किया है बताना? निशंकित अंग का सूत्र बोला ना मैंने अभी, इदमेव दृशम चैव निशंकित अंग। निशंकित अंग के लिए उदाहरण क्या दिया? जिस पर तलवार की धार पर पानी चढ़ाया गया हो, इसका मैंने क्या अर्थ खोला था पिछले साल, कोई बताएगा? मैंने 15 मिनट्स इसमें लगाए थे, 15 मिनट्स, क्योंकि लोग अर्थ ही नहीं समझते। मैंने बोला था मैंने ये, लोग ऐसा अर्थ समझते हैं, ऐसा पानी चढ़ाया तलवार पर, ऐसा चढ़ाया, अरे चढ़ाया वढ़ाया ऐसा थोड़ी चढ़ाया वढ़ाया, वो तो लोहार के पास जाकर देखना पड़ेगा कैसे पानी चढ़ता है। तो ऐसा है, गर्म किया और डाला पानी में, तो कहते हैं वो पानी चढ़ गया। चढ़ गया मतलब जितना सोखा है, कोई दुनिया की ताकत उसमें से पानी नहीं निकाल सकती। निशंकित में ये कह रहे, कोई दुनिया की ताकत इसकी श्रद्धा को नहीं 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 डिगा सकती। अमृत चंद्र देव के शब्दों में बोलो, उल्कापात हो जाए, वज्रपात हो जाए, तहस नहस हो जाए, विश्व पलट जाए, कुछ हो जाए, मेरे अमर स्वभाव से मैं तो नहीं चिकता। वहां पर लिया निशंकित अंग का, अध्यात्म का। मैं किसका अर्थ खोल रहा हूं यहां पर? हू बहू उदाहरण वहां पर लिया, लेकिन वहां पर निशंकित को बताने के लिए, वो पानी लोहमय हो जाता है, सोख लेता है, लोहमय हो जाता है, कोई निकाल नहीं सकता, वहां पर ये लिया। अब लोहमय तो क्या होता होगा, क्या क्या होता होगा, उड़ता, आप विज्ञान के विद्यार्थी कहेंगे उस रूप थोड़ी होता है, वो तो उड़ जाता है। अरे अब बात को जमाना है यहां पर, तुम्हारी युवा ऑपरेशन को थोड़ी ना यहां समझाना है कुछ। आयस, मैंने वहां पर एक बात कही थी, आयस आयन एंड फेरस, मैंने बोला था आपको, याद आता है? भूल गए तुम लोग, पिछले साल रत्नकरण शाखाचार्य में सब पढ़ा है, तुम भूल गए। आयस मतलब लोहा, तो मैंने कहा था फेरस और आयन बहुत रिलेटेड होते हैं ये वर्ड्स कुछ कुछ। अभी आज मैंने दोपहर में काफी लिया है, ये लैटिन वर्ड्स कैसे उसी की तरफ संकेत करते हैं। मैंने दोपहर में कौन था, मैंने ओम शब्द का मैंने बोला, लैटिन वर्ड क्या बोला उसके लिए, अमनी कुछ ऐसा लिया, और अंग्रेजी का भी एक अमनी प्रेजेंट ऐसा वर्ड मिलेगा, ये ओम की विकृति है वहां पर भी, ओमनी प्रेजेंट है। चलो जो भी हो, आइए सुनिए क्या उदाहरण दे। जिस प्रकार लोहे का गोला तपा हुआ पानी में डालो, चारों तरफ से पानी को सोखता है, ठीक उसी प्रकार बोलिए, देह के उदय से युक्त जीव, परमार्थ से क्या समझना, योग से युक्त जीव, सवंगम पड़ी समयम आहरदी कम्बनो कम्म ग्रहण करता है। समझ में आता है? अभी मेरा एक प्रश्न है, देखते हैं कितने जन पास होते हैं इसमें। वैसे केवलियों को कितने योग होते कोई मुझे बताएगा? ए चलो यो वो प्रश्न रख दो, थोड़ा पूछूंगा अभी मैं। क्यों हमको प्रत्येक समय में सभी कर्मों का आश्रय होता है, ये कर्म ये पांचों वर्गणों का आश्रय होता होगा? अब भी मुझे विचार करो थोड़ा, जैसे मैं चुप बैठा हूं तो क्या मनोवर्गणा का हो रहा होगा, क्या भाषा वर्गणा का हो रहा होगा, क्या तेजस कर्मण में तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, तेजस कर्मणा तो निरंतर चल रहा है काम, असर इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। भाषा मनो और आहार वर्गणा, चलो आहार में भी किसी को आपत्ति नहीं, विग्रह गति को छोड़ के, आहार भाषा और मन मनोवर्गणा, क्या कोई मौन रूप से बैठे वाले को प्रत्येक समय में यह काम हो रहा है? पड़ी समयम सभी आश्रोता, ऐसा नहीं है कि मनोयोग होगा तो मनोवर्गणा आएगी, ऐसा नहीं है। भाषा वचन रूप होंगे तो उसी समय वह भाषा आएगी, ऐसा नहीं है, सभी वर्गणाएं प्रत्येक समय में आती है, पक्का है एकदम नियम, पड़ी समयम समझ में आ जाए, और पांचों सभी वर्गणाएं आती है।
23 वर्गणों में से 5 तो रिलेटेड है जीव से, पकड़ रहे ना अरहंत। अभी अरहंत की तरफ आ जाओ, बोलिए। हाँ बराबर, गमन आदि करते हुए भी कम योग है। हाँ उसका कारण क्या, प्रश्न सबको समझ रहे बात को? इसका प्रॉपर आंसर आगामी गाथा में आएगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा एक बात बोल के आपको छोड़ देता हूं। देखिए ये सबको मतलब सभी को नहीं होते ये आते, क्यों? अरे जिनके भाषा प्राण ही नहीं है, एक इंद्रिय जीव है, उनको मनोवर्गणा नहीं आएगी, भाषा वर्गणा भी उनको नहीं आएगी। जो दो इंद्रिय है उनको भाषा वर्गणा तो आएगी, मनोवर्गणा नहीं आएगी। तो जो जिस लायक होए, अभी एक प्रश्न ये आया है कि केवली के गमन रहित होते हुए भी उनको ज्यादा योग कहा, तो ज्यादा आश्रय होगा, आश्रय तो योग को देखता है, और दो इंद्रिय आदि अधिक गमन करे और उनके भी कम योग का है, कम आश्रय का है, तो बहुत लॉजिक है ये, मन वचन काय को लेकर योग होता है। तो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय वाले जीव उनको तो वैसे ही बच गए, तो मन को लेकर योगी नहीं होता उनको। अभी एक दो दिन में मैं पूरी चर्चा करूंगा, आगामी गाथा उसी की तरफ संकेत करेगी, योग की हीनाधिकता क्यों होती है। अभी तो किसकी तरफ आए हम, देहो दैन सही हो, एक बार पढ़ ले इस गाथा को, पढ़िए। परिसमयं सवंगं तत्तायस पिंडोवजलम्। एक और बात अपनी एक बार आई थी, बाहर थोड़ी चर्चा कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा। तो हम जिस समय में बोल रहे हैं उस समय में वचन योग चल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा सर्वथा नहीं है, हो भी सकता है। क्या बोला मैंने, जिस समय में हम बोल रहे हो उस समय में वचन योग न होकर मनोयोग हो, ये भी हो सकता है। जिस समय में शरीर की क्रिया कर रहे हो उस समय में काय योग न हो, और जिस समय में शरीर की क्रिया नहीं हो उस समय में काय योग हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप, बाहर से कुछ ही लेना देना नहीं। और एक बात पक्की है, 15 योग में से एक ही योग होगा एक समय में। क्या बोला मैंने, बोलो 15 कौन से, एक मिनट बोलने दो, बोलो। तुम सोचो, मैं तुम्हें दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। एक आदमी दौड़ता हुआ चिल्ला रहा है जोर जोर से, और ये सोच रहा है कि अब हमको ऐसा करना पड़ेगा, ये बैग फेंकनी पड़ेगी, और जोर जोर से बोल रहा है ये चोर है कोई मुझे बचाओ भाई, जोर जोर से। वो एक समय में कितने काम कर रहा है, वो कितने योग चल रहा है उसके? अरे बोलो मत ना कोई, हाँ का योग तो चल ही रहा है, जब दौड़ रहा है इतना सारा, बिना योग के चल रहा है क्या? और बोलो, वचन योग तो चल ही रहा है, चिल्ला रहा है, और बोलो। अरे एक समय में एक योग चलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना फिर से। यदि क्रिया को लेकर ही योग होने लग जाए, अभी केवली की तो बात तो एक बोल ही रहे थे, शुक्ल ध्यान के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां पिन ड्रॉप साइलेंस अटेंशन एकदम अड़िग, और सब चल रहा है उनका। मनोयोग तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आप ये बोल सकते हो कुछ सोच रहे तो बुद्धिपूर्वक तो वो भी नहीं चल रहा कायदे से, लेकिन चल तो रहा है, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान ही स्वयं बुद्धि है, विचार का काम वो करती ही है, केवल ज्ञान ही है जहां पर विचार नहीं होगा। पकड़ रहे आप सब, सोच विचार मति श्रुति ज्ञान का तो होता ही, निर्विचार कहां से होने बेटा। मुझे कहना यह है कि यदि काय की क्रिया नहीं है वहां पर काय योग कहेंगे कि नहीं कहेंगे फिर? और वहां पर संक्रांति बोली है, कौन सी संक्रांति बोली है, 14 जनवरी वाली? फिर कौन सी संक्रांति बोली है? अरे ये योगों की संक्रांति चलती रहती है शुक्ल ध्यान में पूरे, नहीं पढ़ा क्या? क्या पढ़ता रहता है फिर दिन भर तो? अरे मन वचन का योग निरंतर पलटा पलटी चलती रहती है अक्षत, शुक्ल ध्यान में है ना मुनिराज,
पृथक तो वितर्क है ना, तो निरंतर पलटा पलटी चलेगी, तो पलटा पलटी कभी काय आएगा, कभी मन आएगा, कभी वचन भी आएगा। आश्चर्य बोलू, बारह गुण स्थान तक के मुनियों को असत्य मन वचन योग भी बोला है। असत्य बोलते नहीं है तो, और आप तो असत्य बोल रहे हैं, असत्य बोलते हैं ऐसा बोल रहे हैं। बोलना हम योग की बात कर रहे हैं, वहां पर अवधेय अज्ञान है, ज्ञान आवरण कर्म का उदय, वहां तक असत्य योग कहा। समझ में आता है? आइए, अरहंतों में एक बात तो ये फलित हुई, 15 योग में एट ए टाइम एक ही योग होगा। 15 मतलब चार मन योग, चार वचन योग, सात का योग। बोलिए कौन नाम 15 के कौन बताएगा? एक दो को छोड़कर कौन बताएगा? आप बताओगे? खड़े रहो, फिर नाम क्या 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 बताओगे? फिर तुम नाम नहीं तो और क्या बताओगे? 15 नाम कौन बताएगा योग के? बोलो भाई आदिश। मन के सत्य असत्य उभय अनुभव, वेरी नाइस। वचन के सत्य असत्य उभय अनुभव, वेरी नाइस। काय के आहार आहार मिश्र, औदयिक औदयिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, कर्म का योग। ये 15 योग हो गए। अरहंतों को कितने योग होते हैं ये प्रश्न होगा, कल सोच के आना सब, ठीक है? और एक प्रश्न, वैसे आपने मेरे मुख से कभी सुना ही होगा, योग निरोध क्या चीज है आपको बताना है मुझे। क्या अगेन अगेन योग निरोध हुआ? किनका? महावीर का। कब हुआ? कार्तिक कृष्ण अमावस्या, धन्य तेरस, तेरस तेरस को, और अमावस्या को मोक्ष हो गए। 2 दिन का बीच में गैप है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 14 गुण स्थान चल रहे 2 दिन। छोटा सा पैच है, 5 रस्व अक्षरों का मंद स्वर में उच्चारण मात्र काल बोला 14 गुण स्थान का। मेरा प्रश्न है 2 दिन तक क्या हो रहा है? प्रश्न कितने जन को समझ में? आज तक किसी को क्लिक हुआ? ये क्लिक भी नहीं हुआ। ये प्रश्न तो समझ में आ रहा है? आदिनाथ की ले लो, आदिनाथ का योग निरोध काल 1 महीने का रहा, 1 month योग निरोध। ये तो महावीर का तो 2 दिन का ही मामला है, अपन आदिनाथ 1 महीना योग निरोध, और 1 महीना। अब गुणस्थान कौन सा चल रहा होगा 1 महीना में से? 14 तो कोई बोल ही नहीं सकता, 13वां गुणस्थान चल रहा है। स्वयोग केवली है और योग निरोध भी बोल रहे, इनका कैसे आप संधि करते हैं ये मैं जानना चाहूंगा। ये भी कल प्रश्न में पूछूंगा। ये 2 प्रश्न मैंने पूछे आज, ये कल आंसर चाहिए मुझे। एक तो प्रश्न ये पूछा, देखो मैं जिन जिन प्रश्नों ने मेरा बहुत माथा खपाया था उसमें ये एक प्रश्न है, बहुत मैं जाने कितना इसको सर्च किया। ये मैं चाहता हूं आपके सामने रखे सब बात। मुझे योग निरोध और अयोग ये मुझे कुछ भी तालमेल पकड़ में नहीं आता था। मैं आपको कल पूछूंगा ये योग निरोध का अर्थ क्या लेना वहां पर, क्या अभी बता दो? अभी बता दो। अरे योग निरोध मतलब उपचार का योग निरोध की बात करते, मन वचन का स्टैच्यू अटेंशन। अभी समोचरण विघटित हुआ, अब बोलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, कुछ नहीं, 0 हो गए, स्टैग्नेंट और दर्शनीय हो गए बस। अभी इसको योग निरोध बोला उन्होंने। योग निरोध समझते हैं? योग निरोध के बाद गमन नहीं होता, ना विहार नहीं होता, बिल्कुल स्टैचू, तो बस दर्शनीय रह जाती है। अब प्रतिमा भी कैसे बोले उसको, प्रतिमा तो है भी नहीं हो। हाँ, नहीं उसको संग नहीं योग निरोध की। हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कहीं प्रयोग नहीं है। मैं फिर ऐसा तो देखो अपन में भी लगना चालू हो जाएगा ना, फिर योग निरोध हो गया, फिर कोई अक्षत का योग निरोध हो गया, योग निरोध हो गया, अरे क्या हो, तो फिर प्रयुक्त नहीं है ऐसा केवल। कुछ नहीं, ऑब्वियसली एक पहला सूत्र काय वांग मन कर्म योग, उसकी तरफ से उसका अर्थ किया है। काय वांग मन का कोई क्रिया नहीं होती, बस इसलिए उसको योग निरोध बोला। कितने जन ने बात को पकड़ा, सूत्रों को सामने रखकर मैंने बात करी, ठीक है? दूसरा कोई कारण नहीं, सूत्र बोल रहे ना मन वचन काय की क्रिया योग है, बस वो उतना उपचार का कथन है वहां पर।
क्रिया कुछ अलग क्यों, द्रव्यमन होकर भी क्या करता है, भावमन तो है ही नहीं वहां पर, और शरीर की क्रिया तो स्पष्ट ही नहीं है, और बोलचाल तो बिल्कुल बंद है। ठीक है, तो ठीक है, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया। अब फिर बाकी अयोग का कैसा वो अयोगी होते हैं उसकी भी एक डेफिनेट प्रक्रिया है, वो भी मैं कल बताऊंगा आपको कैसे संयोग से अयोग होते हैं। एक प्रश्न ये अभी नया प्रश्न दे दिया है, और एक प्रश्न कौन सा देना है आपको उत्तर, केवली भगवान के कितने योग बताए मैंने, ठीक है, और वहां पर भी सभी प्रकार के कर्म नो कर्म का आश्रय निरंतर होता रहता है, भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा और तेजस वर्गणा, कर्मन तो है ही, मनोवर्गणा निरंतर। मनोवर्गणा कैसे ग्रहण होती है वहां पर, भाव मन है क्या, द्रव्य भाव मन नहीं होते हुए भी द्रव्य मन है, अंगोपांग नामक नाम कर्म का उदय है, उसको लेकर आश्रय होता है पूरा, योग भी कंपन भी हो ही रहा है, अपेक्षाएं समझना कल। ओम नमः।